हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड सेफ एट योर होम. सो दिस पोएम विल कम इन योर एग्जाम, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रिवाइज फॉर यू अगेन. ऑल दो आई मेड यू अंडरस्टैंड बिफोर ऑल्सो, टू यस्टरडे आई हैव सेंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑल द वर्क ऑफ दिस चैप्टर, दिस पोएम. आई हैव सेंड यू ऑल दिस थिंग्स, यस, ऑल द क्वेश्चन आंसर्स आई हैव ऑलरेडी सेंड यू, एंड सेंट्रल आइडिया ऑल्सो आई ऑलरेडी सेंड यू. आई होप यू ऑल हैव कम्प्लीटेड योर ऑल वर्क. दिस पोएम विल कम इन योर एग्जाम, सो आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इट अगेन. सी द रेबल. वॉट इज रेबल? रेबल क्या होता है? रेबल एक इज अ लाइक अ बागी, बागी होता है जो हु नेवर वॉन्ट टू डू द सेम थिंग्स विच अदर्स आर डूइंग. ही विल बी ऑलवेज इन अपोजिट साइड, मतलब वो हमेशा अपोजिट काम करते हैं. जैसे सपोज करो तुमको कहीं स्कूल जाना पसंद है और उसको स्कूल जाना पसंद नहीं है. सपोज़ करो तुम्हें पिज़्ज़ा खाना पसंद नहीं, पसंद है उसको पिज़्ज़ा खाना पसंद नहीं है. सपोज़ करो तुम बैठे हो तो उसको खड़े रहना पसंद है. मतलब ऑल द वर्क ही विल डू अपोजिट. सो लेट्स स्टार्ट. डू यू नो एनी वन हु ऑलवेज डिसएग्री विद यू और योर फ्रेंड्स? क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो हमेशा तुमसे डिसएग्री रहता हो? तुम्हारा कोई फ्रेंड हो, तुम्हारा कोई रिलेटिव हो, कैसे ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो हमेशा डिसएग्री रहता हो और लाइक्स टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू? और हमेशा क्या करता है वो? हमेशा अपोजिट वर्क करता है. जैसा तुम सोचते हो, व्हाट एवर यू आर थिंकिंग, ही विल डू द डिफरेंट, ही विल डू द वर्क इन अदर डायरेक्शन, मतलब दूसरी डायरेक्शन में काम करेगा. वो नहीं करेगा जो आप कहोगे. अगर आप उससे कहोगे लेफ्ट जाओ तो वो राइट जाएगा, मतलब अदर वर्क करेगा. डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज. अपने पार्टनर से ये बात डिस्कस करो कि ऐसा होता है. नाउ रीड द पोएम. नाउ वी विल रीड द पोएम. व्हेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर, जब सब लोग छोटे बाल रखना पसंद करते हैं, द रेबल लेट्स हिज हेयर लॉन्ग ग्रो. तो रेबल चाहता है कि उसके बाल लंबे हों या फिर वो लंबे बाल रखता है. When everybody has long hair, जब सब लंबे बाल रखना चाहते हैं, the rebel cuts his hair short. तो rebel क्या करता है? अपने बालों को छोटा करवा देता है. देखिए opposite हो गया ना सब. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say anything. When every classmates will discuss in the class during the lesson, तो rebel क्या करेगा? बिल्कुल शांत हो जाएगा. He will not speak a single word. जैसे वो कुछ जानता ही नहीं. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. और जब कोई बात नहीं करेगा, when teacher will say shut your mouth, तो rebel क्या करेगा? rebel will create disturbance. विद्रोही है ना वो. तो rebel है, बागी है, बदतमीज है, तो वो क्या करेगा? बदतमीज नहीं बोलूँगी, sorry, I will take my words back. उसको हम बदतमीज भी नहीं कह सकते, वो बागी टाइप हो जाता है. मतलब उसको ना हर चीज़ें अपोजिशन में जाकर करनी अच्छी लगती है, लेकिन ऐसे लोगों को तो बदतमीजी कहते हैं कहने वाले. लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं. देखिए कैसे. When everybody wears a uniform, the rival dresses in the fantastic clothes. जब यूनिफॉर्म पहनते हैं सब, तो वो क्या पहनता है? फैंटास्टिक क्लॉथ्स पहनता है. When everybody wears fantastic clothes, the rival dress soberly. जब सब अच्छे कपड़े पहनते हैं तो वो क्या करता है? सोबर कपड़े पहनता है, बिल्कुल अलग हो जाता है. इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, डॉग जो डॉग्स को लव करते हैं, मतलब इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, मतलब हूसोएवर पर्सन इज लाइक द डॉग, द रिवल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स. तो रिवर की जो प्रेफरेंस किसके लिए होती है? कैट्स को पसंद करता है वो उस दौरान. इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, अगर कैट के लवर मिल जाएंगे तो द रिवल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स, तो डॉग्स को प्यार करेगा. मतलब है ना अपोजिट, बिल्कुल. देखिए आप. When everybody is praising the sun, जब सब लोग सन की तारीफ कर रहे हो, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिएगा. When everybody is praising the sun, जब सन की सब तारीफ कर रहे हैं, the rebel remarks on the need for rain. तो rebel क्या चाहता है? कि रेन हो जाए, बारिश हो जाए, उसे बारिश की जरूरत है. When everybody is getting the rain, जब बारिश की इच्छा करते हैं, सब लोग चाहते हैं कि बारिश हो जाए, the rebel regrets the absence of sun. तो वो क्या दुखी होता है? कि सन आना चाहिए, मतलब सन के लिए, सन अगर नहीं आया तो रिग्रेट करता है, पछतावा करता है.
When everybody goes to the meeting, जब सब मीटिंग के लिए जाते हैं, the rival stays at home and reads a book. तो rival क्या करता है, वो घर में रहता है और एक बुक पढ़ता है. When everybody stays at home and reads a book, the rival goes to meeting. देखो है ना अपोजिट, हर लाइन में, इन एवरी लाइन ही इज अपोजिट, ही इज डूइंग अपोजिट वर्क. जब जब सब घर में रहकर किताबें पढ़ते हैं तो वो मीटिंग में जाता है, और जब सब मीटिंग में जाते हैं तो वो घर में रहकर किताबें पढ़ता है. जब सबको बारिश की ज़रूरत होती है तो वो सन की प्रेयर करता है, और जब बारिश हो रही होती है तो उसे सन अच्छा लगता है, जब सन हो रहा होता है तो उसे बारिश चाहिए. देखो सब अपोजिट वर्क है. When everybody says yes please, जब सब कहते हैं yes please, तो वो क्या कहता है, थैंक यू. When everybody says no thank you, the rival says yes please. देखो हो गया ना अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट है. अब ये पूछ रहा है, हमारे लास्ट लाइन में पूछ रहा है कि इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव rivals. क्या ये अच्छा होता है कि हमारे पास rivals होने चाहिए, मतलब ऐसे लोग होने चाहिए. यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन. हाँ, ऐसे लोग होने चाहिए. क्यों क्यों होने चाहिए? क्योंकि हमें पॉजिटिव के साथ साथ अपोजिशन में क्या काम हो रहे हैं वो भी हमें पता चल जाता है, तो इसलिए rivals होना भी ज़रूरी है. दिस पोएम इज़ रिटन बाई DJ N Wright. और हमेशा याद रखना, पोएट का नाम हमेशा आपके एग्ज़ाम में आता है बेटा. और ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को भेज ही चुकी हूँ. कंप्लीट योर ऑल वर्क, दिस इज़ लाइक योर रिविजन वर्क. ओके ओके, बाय, हैव अ गुड डे.